डॉक्टर सुरेश योगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम इंसोम्निया यानी अनिद्रा, नींद न आने की समस्या या फिर गहरी नींद कैसे ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, आसन और प्राणायाम करेंगे। आपने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे गहरी नींद नहीं आती, या मुझे देर से नींद आती है, या कि मुझे मेरी नींद बीच में टूट जाती है, मैं करवटें बदलता रहता हूँ, मुझे डरावने सपने आते हैं, या नींद के पश्चात जो है मुझे थकान हो जाती है, शरीर टूटा टूटा रहता है। इन सभी समस्याओं का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है मोबाइल या फिर स्क्रीन। जब हम मोबाइल पर स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो है खुश्की हो जाती है, जिससे हमें अनिद्रा की समस्या हो जाती है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। जब हम दिमाग पर आवश्यकता से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, कोई बिजनेस है, कोई आपकी जॉब है, उसका ज़्यादा जो है टेंशन है, प्रेशर है, दबाव है, वो डालते हैं तो हमारी नींद हराम हो जाती है, नींद की समस्या हो जाती है। और यदि आप रात को सोने के समय चाय पीते हैं तो चाय में क्या है, कैफीन होता है, जो हमें अनिद्रा की प्रॉब्लम पैदा करता है। और एक और कारण क्या है, जब आप दिन में ज़्यादा सो लेते हैं तो रात को नींद कहाँ से आएगी, या फिर जो है फिजिकल वर्क न होना, थकान न होने के कारण नींद नहीं आती है। कुछ एक घरेलू उपाय हैं जिनको अपना करके आप अपनी नींद की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सोने से पहले नाक के अंदर, लेफ्ट और राइट नोस्टिल के अंदर दो दो बूंद सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके डाल सकते हैं, या फिर बादाम रोगन, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं जो भी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त जिनको डॉक्टर ने घी खाने के लिए मना किया है उनको छोड़ करके आप रात को सोने से पहले एक गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच या एक चम्मच गाय का घी डाल करके पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, तलबों में, यहाँ पर ये हमारे जो तलवे हैं इनमें जो है आप बादाम रोगन से, नारियल के तेल से, या फिर जो सरसों के तेल से ऐसे मसाज करें, मालिश करें। सिर में भी जो है मसाज की जा सकती है, मालिश की जा सकती है, उससे भी हमें अच्छी नींद आएगी। या फिर जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो एक टेबलेट सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद मेधावटी आयुर्वेदिक टेबलेट आती है वो ली जा सकती है। हाँ, और एक और बातों का ध्यान रखें कि आप जो है मोबाइल पर स्क्रीन पर ज़्यादा समय न बिताएं और सोने से एक घंटा पहले इनको दूर हटा दें, इनसे दूर हट जाएं, इनको टच न करें। इसके अतिरिक्त आप सोने का समय निर्धारित कर लें, आपको नींद आए या ना आए, मुझे 10 बजे सोना है तो सोना है, नींद आया या ना आए आप जो है बेड पर चले जाएं। और कई लोगों को जो है लाइट के कारण नींद नहीं आती, वो लाइट को डिम कर सकते हैं, लाइट को बंद करके जो है सो सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में ये हमारी जो रिंग फिंगर है, दोनों हाथों के अंदर रिंग फिंगर है, इसके टॉप में यहाँ पर इसको दबाएं। इस पॉइंट को दबाने से हमें नींद आने लग जाती है। आप रात को सोने से पहले इसको दबा सकते हैं, सुबह दबा सकते हैं, एक दो मिनट के लिए दोनों हाथों के अंदर रिंग फिंगर के टॉप को दबाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, बाएँ से श्वास लिया, दाएँ से खाली कर दिया, जिससे खाली किया उसे दोबारा ले, ऐसे कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में हाथों को ऊपर करके नीचे करके किसी भी तरीके से आप 10-15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, दस बार 20 बार भ्रामरी प्राणायाम सुबह शाम दोनों समय करें। भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बारीकी से सीख सकते हैं, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शाम को जब आप सोने से पहले क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम में ऐसे हाथ नहीं लगाने हैं, षणमुखी मुद्रा में नहीं करना है, आप जो ऐसे शवासन में लेट जाएं, बिल्कुल पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आँखें बंद करके। और भ्रामरी प्राणायाम कैसे करें, ऐसे आप 5-7-10 बार भ्रामरी प्राणायाम करके उसके बाद क्या करना है, उद्गीत अर्थात ओम का उच्चारण, ओ
ऐसे 5-7-10 बार ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी। भ्रामरी प्राणायाम और उसके बाद उद्गीत अर्थात ओम का उच्चारण सब आसन में करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। आज मैंने जो आपको घरेलू उपाय बताए हैं और जो प्राणायाम बताए हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया है, उसके माध्यम से आप अपनी अनिद्रा की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।